अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछली वीडियो में मेल बनाना सिखाया था, आपने वो मेल बना लेना है, उसका पासवर्ड अपनी कॉपी पे सेव करके रख लेना है, संभाल के लिख के रखना है, गुम ना होए। और अब आपने उस अपना जो मेल बनाया है पर्सनल, उसके बाद यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना है, जाकर ब्लॉगर पे जाना है। अब ब्लॉगर में क्रिएट योर ब्लॉग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो मेल बनाया था उस मेल पर आपने क्लिक करना है। और एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आपने अपना एंटर पासवर्ड करना है तो आपके पास सामने ये वाला ये आ जाएगा। तो उस पर आपने अपना अपना ब्लॉग जिस भी नेम से बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिज़नेस के लिए बनाना चाहते हैं आपने अपने बिज़नेस का नेम लगाना है, या अगर आप कोई वैसे ही आर्टिकल लिखने के लिए बनाना चाहते हैं, तो जो भी आपका काम हो आपने बनाना, जैसे जॉब पर बनाना चाहते हैं तो आपने जॉब का लिखना है, जॉब्स पाकिस्तान की जॉब्स हैं तो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर एड्रेस देना है, स्पेस नहीं देनी। वो कह रहे हैं कि आपके ये नहीं लगेगा, वो कह रहे अवेलेबल है, आप नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम अली रज़ा, मेरे मेल का नाम अली रज़ा है तो मैंने अली रज़ा। उसके बाद फिनिश कर देना। अब ये आपका अपना ब्लॉग बन चुका है। अब ये ब्लॉग और इसके इंटरफेस व्यू ब्लॉग देखो तो आपको ये ब्लॉग है, और उसकी ये टेम्पलेट पहले से लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आप मॉडर्न ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको न्यू ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी, इसकी कंप्लीट सेटिंग सिखाऊंगी कि किस तरह सेटिंग होती है, और इसमें पोस्ट वगैरह हर चीज़ जो भी पोस्ट डालनी होती है वो यूनिक डालनी होती है, और उसको इंडेक्स कैसे करवाना है, उसे अर्निंग के पॉइंट तक कैसे लेके जाना है, ये सारे कंप्लीट सेटिंग मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगी। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।